कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी, कांग्रेस जाति है तो बीजेपी जो ब्राह्मणों की पार्टी है वो आती है, और बीजेपी चली जाती है तो कांग्रेस आती है। इसका मतलब है ब्राह्मण राज स्थापित कर दिया गया। ब्राह्मण राज महाराष्ट्र में 5-6 जिलों के ऊपर बहुत ज्यादा हुआ तो पेशवाओं का राज था, मगर ये जो पेशवाई है ये तो सारे देश भर में आई। ज्यादा खतरनाक मामला हुआ, देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक मामला हुआ, और ये सारा षड्यंत्र ईवीएम की वजह से अंजाम देना संभव हुआ। कई मशीनें पाई गई है जिसमें बटन किसी भी पार्टी के निशान पर दबाए जाए लेकिन वोट बीजेपी के खाते में जाता है। ये षड्यंत्र हम लोगों को समझना होगा। ईवीएम ने पूर्व निवासी बहुजनों को गुलाम बनाया, वो आज के मनुस्मृति का नाम है ईवीएम। आज के मनुस्मृति का नाम है ईवीएम, क्योंकि उस समय मनुस्मृति ने गुलाम बनाया था और आज ईवीएम हमको गुलाम बना रही है। बाबा साहब अंबेडकर ने महान में मनुस्मृति को जलाया था। हम लोग ईवीएम को तोड़ेंगे, ईवीएम को तोड़ेंगे, और सबसे पहले मैं मशीन तोड़ूंगा, सारे देश भर में आप लोगों को तोड़ना है।